हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ यूपीएससी मेंस 2022 GS1 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यूपीएससी मेंस 2022 के सारे क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए और बहुत सारे भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, रेंडमली पड़े हुए। लेकिन अब सिस्टमेटिक तरीके से मैं सोच रही हूँ एक एक क्वेश्चन करवा के उसको प्ले लिस्ट आपका बना दूँ, ताकि आप रिविजन के लिए या यूपीएससी को समझने के लिए इस क्वेश्चन का यूज कर सको और समझ सको। और मॉडल एक आंसर है ये, इसके थ्रू आप सीख सकते हो कि कैसे मेंस का आंसर लिखते हैं या सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन है आपका, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताइए। 150 वर्ड में लिखना है, 10 अंक का है, GS1 है, जिसमें हिस्ट्री का सेक्शन है ये। तो औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के बारे में बात की गई है, इसमें क्या देख, क्वेश्चन पहले आप ठीक से देख लो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन समझाती हूँ औपनिवेशिक भारत की। 1 मिनट। हाँ, औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताने, मतलब अचानक जो वृद्धि हुई है अकाल की, उसके बारे में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बताना होगा अकाल किसे कहते हैं, अकाल। ओके, तो ओके, अकाल किसे कहते हैं इसके बारे में बता दो। ये हेडिंग दो या ना दो, लेकिन इंट्रो के थ्रू ऐसे लिख लो आप एक पॉइंट ऐसे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट वाइज सारे लिख दो, ठीक है। नियमित खाद्य आपूर्ति की कमी के परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र की आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली तीव्र भूख की स्थिति को अकाल कहते हैं। इस तरह से आप डेफिनेशन दो, उसके बाद पॉइंट वाइज आ जाओ। यहाँ पर पॉइंट है, बंगाल में वर्ष 1769 मतलब 69 में से 70 का अकाल 2 वर्षों की नियमित वर्षा होने से पड़ा, मतलब अनियमित वर्षा होने से 2 वर्षों के पड़ा, 69 और 70 का। तो लेकिन चेचक की महामारी से इसकी स्थिति और भी बदतर हो गई। तो दूसरी क्या है, पश्चिमी भारत में 1812 से 1813 का काल, जिसने विशेष रूप से कठियावाड़ क्षेत्र को प्रभावित किया, टिड्डियों और चूहों के हमलों के कारण कई वर्षों के फसल को नुकसान का परिणाम था। वहीं बात करें तो 1832 से 33 के गुंटूर अकाल ने फसल के नष्ट होने के साथ साथ किसानों पर कराधान के अत्यधिक और अनिश्चित स्तर में भी वृद्धि की। उड़ीसा की बात करें तो ये पूरा डाटा है, बहुत अच्छा है, इसको नोट कर लेना अगर आपको याद ना हो तो। उड़ीसा में वर्ष 1865 से 71 के अकाल ने किसानों को प्रभावित किया, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा भोजन के आयात से लगातार इनकार करने से यह स्थिति और भी खराब हो गई। उड़ीसा में कब आया था, 1865 से 71 के बीच में, और यहाँ पर गुंटूर अकाल जो था वो था 1832 से 33। पूरा डाटा, क्योंकि 18वीं शताब्दी में अकाल के बारे में पूछा है ना, ये 18वीं शताब्दी के मध्य से अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि की हुई। अब आगे बढ़ते हैं, सूखे का प्रभाव। सूखे का प्रभाव कैसा होता है, तो 1870 से 1920 की अवधि में बंबई में अकाल सूखे के कारण पानी की अत्यधिक कमी से फसलों का नष्ट होना जारी रहा। अकाल का निकटतम कारण बिना किसी अपवाद के खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि था, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक मजदूरी को कम कर दिया गया था, जो मुख्य रूप से खेतिहर मजदूर समूहों के बीच भुखमरी, कुपोषण और महामारी का कारण बन गया था। मतलब खाद्य कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई अकाल पड़ने से, जिसमें मजदूरों के समूहों को भुखमरी और कुपोषण का सामना करना पड़ा। वहीं हम बात करें तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता का प्रभाव किस तरह से पड़ा, तो ऋण हमेशा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक रहा है। पिछली मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक लगान, अवैध कराधान के कारण किसानों पर भारी कर्ज, जो अकाल की शुरुआत में परिणत होने वाली गंभीर सूखे जैसी परिस्थिति की शुरुआत से बढ़ गया था। और बात करते हैं, ब्रिटिश नीति का प्रभाव भी इस पर पड़ा था। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान विनाशकारी अकालों का मुख्य कारण भारतीयों पर शोषण और दमन की नीति थी, और अंग्रेज द्वारा इंग्लैंड को कृषि उपज का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करता था, और भारत में खाद्य संसाधनों की कमी हो गई, जो अंततः गंभीर अकाल के परिणत हो गई। वहीं बात करें तो कॉर्नवलिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। इस रणनीति के से किसानों को भूमि के स्वामित्व से बेदखल कर दिया गया था, जिसने भारत के कृषि इतिहास में पहली बार जमींदार और तालुकदार को वास्तविक स्वामी बना दिया था। तो जब बनेंगे तो जमींदारों का शोषण, मतलब किसानों का शोषण होगा ही। वहीं बात करते हैं 1943 का अकाल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उद्देश्यों के लिए खाद्यान्न की बड़ी खरीद के कारण हुआ था।
1943 का काल भी द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम हुआ था, जिसमें सैन्य उद्देश्य के लिए खाद्यान्न की बड़ी खरीद हुई थी, जिसमें मतलब जो गरीब तबका होता है उन तक अनाज मतलब पौष्टिक भोजन नहीं पहुंच पाएगा, तो अकाल की स्थिति तो पैदा हो ही जाएगी। तो आगे बात करते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान हुए अकालों का अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि संस्कृति पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। अकालों ने निस्संदेह जनसंख्या की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला और आर्थिक विकास की को धीमा कर दिया। यह संस्कृत की प्रगति में भी एक बड़ी बाधा है। साम्राज्यवादी नीति ने आबादी को लंबे समय तक पीड़ा, गरीबी, शोषण, उत्पीड़न के अधीन किया। इन कारणों से हम समझ सकते हैं कि इन कारणों से 18th सेंचुरी में मध्य अकाल पड़ने से अचानक वृद्धि देखने को मिली। मतलब इसमें पूछा है ना, मतलब 18वीं शताब्दी के मध्य में किस तरह से कौन कौन से रीजन से जिसकी वजह से अकाल पड़ा हुआ, तो आपको इस तरह सारी चीजें बताई गई। ये जो नियमित खाद्य आपूर्ति क्या हुआ और किस तरह से अकाल पड़ा था जिसकी वजह से प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिश ने किस तरह से सूखे का किस तरह से प्रभाव पड़ा, ऋणग्रस्तता का किसानों से किस तरह से प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश नीति जो भी आई थी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त वगैरह उनके द्वारा किस तरह से प्रभाव पड़ा, बाकी कंक्लूजन में आप ये लिखोगे इन कारणों से हम बता सकते हैं कि 18वीं सेंचुरी में किस तरह से मतलब अकाल पड़ा। तो ये आंसर आपको कैसा लगा बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। चलिए बाय बाय।